आपको बता दें कि आज गुरु पूर्णिमा है और सुबह से ही तटों पर नजारा देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो गंगा घाट पहुंच रहे हैं, वहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। वाराणसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आपको बता दें कि गंगा स्नान का अलग ही महत्व होता है और सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो गंगा घाटों पर देखने को मिल रही है। पूर्णिमा है, आज के दिन गुरु को माने दान दक्षिणा दिया जाता है और गुरु का प्रतिष्ठा दिया जाता है, उनको प्रधानता दिया जाता है, जो हो सके उनको दान दक्षिणा आज देना चाहिए। गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु को आज खुश करने का दिन है, जितना गुरु को खुश कीजिएगा उतना सदा के लिए आप भी खुश रहिएगा। ये चलते कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व से ही राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता सूरज सिंह लाइव जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास खरे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज आपके पास आऊंगी मैं। सुबह से ही सरयू तट पर नजारा देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है, लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे। सबसे पहले तो कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, आपको बताते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध की आज जयंती है और उसी को लेकर के जो लोगों में आस्था है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो सरयू का घाट है जिसकी तस्वीरें हम लोग विजुअल जो साफ तौर पर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को, कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो पूर्णिमा है और इसको लेकर के जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो है मनुष्यों को संदेश दिया था, दुख के बारे में बताया था, दुख से कैसे निपटा जा सकता है उसके बारे में बताया था और उन्होंने आज मंत्र भी दिए थे और उनकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी है। और इसी को लेकर के आज जो है सरयू घाट पर जिस तरीके से एक जनसैलाब, आस्था का जनसैलाब जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो है बयां करता है कि जो है जो गुरु पूर्णिमा है उसकी कितनी बड़ी जो है आस्था लोगों में है। जी जी, विकास भी हरिद्वार से लगातार जुड़े हुए। विकास, हरिद्वार में क्या नजारा देखने को मिल रहा है आज? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरह से गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन हरिद्वार में पौराणिक जो हर के बड़े वहां पर दूर दूर से श्रद्धालु जो कोने कोने तक पहुंचते थे, आज भी यहाँ पर मां गंगा में स्नान श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कोविड के नियमों का पालन होना चाहिए था उस तरह से प्रशासन के द्वारा कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का दावा प्रशासन ने किया था वो भी सोशल डिस्टेंसिंग हरिद्वार में नजर आ रही है। बात की जाओ तो चाहे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जो भी श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचे हैं माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन वो भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। काफी लोग ऐसे हैं जो श्रद्धालु हर की पौड़ी ऊपर यहाँ पर घूम रहे हैं, जो स्नान करे वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। और बात की जाता है हरिद्वार में जिस तरह से भीड़ लगातार देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आस्था का जनसैलाब जिस तरह से उमड़ता था आज कोविड-19 के चलते आज उसी की भीड़ हरिद्वार में नहीं नजर आ रही, क्योंकि पुरानी जो हर की पौड़ी है वहां पर भी जो गंगा घाट पर जो स्नान श्रद्धालु कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग में लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह से प्रशासन दावे कर रहा था आज उस तरह की दावों की भी पोल भी साफ तौर पर खुलती हुई नजर आ रही है। जी अब बिल्कुल विकास, जिस तरीके से ये भी कहा गया था कि इस बार गंगा स्नान करना प्रतिबंधित रहेगा, अगर आप आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो आपको गंगा स्नान करने की अनुमति नहीं मिलेगी। महाकुंभ में जिस तरीके से हमने देखा कि आरटीपीसीआर टेस्ट में झोलझाल हुआ था, एंटीजन रिपोर्ट में झोलझाल हुआ था, तो क्या आज इस तरीके की भी लापरवाही हम देख रहे हैं? बिल्कुल, बात की जाए तो जिस तरह श्रद्धालु जो अन्य प्रदेश से उत्तराखंड में प्रवेश करने तो उनको जो है साफ तौर पर प्रशासन ने कहा देखिए जो भी श्रद्धालु हरिद्वार में एंट्री करेंगे उनको आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी तभी हरिद्वार में एंट्री दी जाएगी। तो बात की जाए तो बॉर्डर पर लगातार प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर बनी हुई, प्रशासन लगातार बॉर्डर पर जो है जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे जिनकी जो भी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ रहा उनको वहां से बात किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पुरानी खरकी पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ एकजुट दिखाई दे रही तो उस पर साफ तौर पर प्रशासन की जो दावे तो हवाबाई दिखते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हर की पौड़ी पर भीड़ नजर आ रही है तो कहने के प्रशासन के दावे भी यहाँ पर फेल हो रहे हैं, कहने के सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जा उड़ा जा रही है, कोविड के नियमों का पालन हर की पौड़ी पर होते हुए नजर नहीं आ रहा है।
वैसे में साफ तौर पर प्रखंड स्तर से लाख दावे कर आपकी जो है श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेगा वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत माँ गंगा माता की डुबकी लगाई जाएगी, लेकिन इस तरह के यहाँ पर साफ तौर पर नहीं नजर आ रहा। फिलहाल हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कैन्यू साफ तौर पर आप पीछे जो तस्वीरें वो भी देख सकते हैं, कितनी भीड़ पुरानी की हरकी पौड़ी बराबर दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं भी पालन नहीं हो रहा है जी विकास। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी जमकर उड़ाई जा रही हैं। और सूरज लगातार जुड़े हुए, सूरज आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी विकास ने बताया कि हरिद्वार में हम देख रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, जो प्रशासन है वो लापरवाही बरत रहा है, क्या इसी तरीके की लापरवाही आज हम अयोध्या में भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो एक तरफ कोविड है और दूसरी तरफ जो लोगों की आस्था है, दोनों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के ऊपर, चाहे जो है अयोध्या की बात करें या प्रयागराज की, मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सरयू की अपनी मान्यता है और गुरु पूर्णिमा की अपनी मान्यता है। और जहां तक मेरा मानना है कि जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को वापस कर रहा है, लेकिन लोग जो है वो कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं, चाहे सरयू के नीचे से जो है निकल जा रहे हैं लोग, चाहे कुछ बहानेबाजी करके अंदर जा रहे हैं, और जैसे ही उनको अंदर एंट्री मिलती है वो तुरंत जो है उनका साफ तौर पर जो है उनकी जो गाड़ी है वो सरयू की तरफ घूम जाती है। और जो कोविड है उसका खतरा तो कहीं ना कहीं बढ़ा ही है, लेकिन लोगों की जो आस्था है इसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि तमाम जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो भी सुबह ही स्नान करने पहुंचे हुए थे और उनका भी जत्था पहुंचा हुआ था, और उन्हीं को उन्हीं की देखी देखा में ही जो आम जनमानस है और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे बस्ती की बात करें, अम्बेडकर नगर की, या फिर सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, श्रावस्ती, ऐसे तमाम जो अयोध्या से सटे हुए जिले हैं, और अयोध्या ही नहीं सटे हुए जिले बल्कि बिहार की बात करें तो बिहार से भी जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं, बसों में भर भर के आए हुए हैं। तो जिला प्रशासन के ऊपर बहुत जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से कोविड से भी निपटे और जो लोगों की आस्था है उससे निपटे, क्योंकि साफ तौर पर देखिए कोविड की तो जो है गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से घाटों पर जो लोगों का सैलाब है, जिस तरीके से लोग घाटों पर देखे जा रहे हैं। सूरज बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन को हम हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना हमारी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी की प्रशासनिक अधिकारियों की पालन करवाने की। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है आज, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाहियां हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही है। सोशल